खबर यूपी के सीतापुर जनपद से है, जहां 23 जुलाई 2024 को देश की संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 30वें कार्यकाल का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया। इस अवसर पर जिला भाजपा कार्यालय सीतापुर पर एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के लिए लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का बजट आमंत्रित किया है, जिससे इस बजट में राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग और ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति होगी। साथ ही जो बजट में कर्ज गारंटी योजना से उत्तर प्रदेश को 20 लाख इकाइयों को जीवन दान मिलेगा, 22 लाख नए उद्यमी तैयार होंगे। केंद्र सरकार की ओर से 100 ITI को हब के रूप में अपग्रेड करने की घोषणा की गई है, जिससे उत्तर प्रदेश में जो 1000 पूरे देश भर में हैं, उसमें उत्तर प्रदेश की 100 ITI कॉलेज ऐसे हैं जिनको अपग्रेड करने जा रही है।